ऐसा एक चाय वाला ने पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। रुको 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 रुको, और भी आगे कहानी है भाई साहब। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर बाती है कि शेख ने मोदी को ये क्या बोल दिया कि आप सुन के चौंक जाएंगे। अभी आगे कहानी तो आपने सुना ही नहीं। तो इससे पहले अगर आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल में पासपोर्ट रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड तमाम तरह की जो जानकारी होती है, कतर देश के बारे में और भी बहुत सारे देश के बारे में, जैसे बहरीन हो गया, ओमान हो गया, दुबई, कतर, सऊदी अरब, बहुत सारी चीज़ें की जानकारी जो है आपको इस चैनल में मिलती है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आपको आगे की कहानी सुनाते हैं कि शेख ने मोदी जी के बारे में ये क्या बोला। पहले कहानी सुन लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आपको पहले कहानी सुनाते हैं हम। इंडियन भाई लोग से एक बात बोलेगा, आप लोग इंडियन लोग मालूम क्या चीज है, तारीख है, तारीख तुम लोग बहुत बड़ा चीज है। इंडिया यानी मालूम क्या चीज है, बहुत अच्छा चीज है। लेकिन हम लोग सब सोच रहा है कैसा एक चाय वाला ने पूरा इंडिया को बर्बाद किया है। एक चाय वाला ने यार क्या वो अच्छा किया इंडिया में? पहला तो तुम लोग का पैसा बदली किया, तुम लोग को सबको बजा दिया। अभी ये मुसलमान और हिंदू के बारे में झगड़ा झगड़ा देता है, ये क्या किया तुम लोग के साथ? उसको बोलो बाबा छोड़ो ये चीज और जाओ तुम्हारा चाय बनाओ, थोड़ा से दूध ज्यादा करो, चीनी कम है, खने कम है, वो करो। ये इसको फायदा नहीं है, ये बस मनते सबको बर्बाद करेगा। बुढ़ा भी आदमी हो गया बाबा, इसका चाय अच्छा था, हम लोग अभी 2 रुपया भी पकड़ेगा इसका चाय, 1 रुपया नहीं 2 रुपया। लेकिन बोलो झगड़ा नहीं दियो हिंदू और मुसलमान को, और गाली नहीं दियो मुसलमान को, बहुत पछताएगा ये चाय वाला, कसम खाते। कहानी सुनने के बाद आपको इस पे क्या विचार बनता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और जो वहाँ पे विदेश में बैठ के टिकटॉक पे वीडियो बना के मोदी को गलत ठहरा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी निंदनीय घटना है। इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ टिकटॉक का वीडियो बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं। भाई साहब वो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पे बैठ के कितना काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये आपको अंदाज़ा भी नहीं मिल सकता है। आप तो सिर्फ टिकटॉक पे जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बात ख़त्म, अपना जो विचार रखना है विचार रख देंगे। तो ऐसी कहानी होती है, जो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री रहते हैं उनके विरोध में बहुत सारे लोग जो है खड़े हुए हैं, और हिंदू मुस्लिम का तो जोरों से चर्चा चल रहा है, जोरों शोरों पर रहता है इस चीज़ के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी देता रहे। जय हिंद, जय भारत।